कापचा गांव वालों की प्रशासन से एक ही मांग है कि मंदिर को ट्रस्ट किया जाए, जिससे मंदिर का विकास हो। जब तक ट्रस्ट नहीं होती तब तक गांव वाले ही मंदिर की पूजा करेंगे। हम पंचान ग्राम बापचा यह तस्दीक करते हैं कि ग्राम बापचा में राधा कृष्ण मंदिर देहरी घाट है, जिसमें पुजारी पद पर कई वर्षों से विवाद चल रहा है। देहरी घाट राधा कृष्ण मंदिर के नाम से ग्राम बापचा में लगभग 93 बीघा जमीन है। इतनी जमीन होने के बाद भी मंदिर का कोई विकास नहीं है। पुजारी ने ही अपने घर बनाए हैं। इन मंदिर पर हमेशा विवाद ही रहा है। इस मंदिर की आधारशिला महंत श्री नरसिंह दास जी ने रखी थी। उनके बाद में उनके शिष्य श्री महंत मनीराम दास थे। वह मनीराम दास जी के देहांत के बाद समस्त ग्रामीणवासी बापचा के समक्ष उनके शिष्य श्री नरहरि दास जी को चादर उड़ाई गई थी। नरहरि दास जी की मनीराम दास जी के शिष्य हैं, पर सरकारी रिकॉर्ड में श्री राजेंद्र दास पुजारी पद पर नियुक्त है, जबकि यह मंदिर पौराणिक परंपरा का मंदिर है। यहाँ पर विरक्त संत ही पूजा आरती करते हैं और राजेंद्र दास जी गृहस्थ हैं, वह परिवार सहित मंदिर पर ही रहते हैं। इस विषय में समस्त ग्रामीण वासी ने मिलकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व तहसीलदार महोदय को आवेदन पुजारी पद की नियुक्ति के लिए दिया था, पर प्रशासन द्वारा भी सही फैसला नहीं लिया गया। ग्रामवासियों की मंशा के खिलाफ फैसला किया गया, जबकि राजेंद्र दास जी राधा कृष्ण मंदिर पर एक वर्ष से पूजा करने नहीं आए। पूजा नरहरि दास जी द्वारा की जा रही है। ग्रामीणवासी भी नरहरि दास जी से संतुष्ट हैं, पर राजेंद्र दास जी की ऊपर के अधिकारी वर्ग में सेटिंग होने के कारण फैसला राजेंद्र दास के पक्ष में ही लिया गया। राजेंद्र दास एक वर्ष पहले पूजा करते थे तो पूरे परिवार के साथ मंदिर पर रहते थे। गांव वालों के मना करने पर भी वो परिवार सहित मंदिर पर रहे, इसलिए गांव वाले भी उनसे संतुष्ट थे। राजेंद्र दास के समय में मंदिर पर साधु संत भी कम आते थे। इस प्रकार मंदिर की सारी व्यवस्था बिगड़ कर रखती थी। नरहरि दास जी आज दिनांक 26 अगस्त 2020 को मंदिर छोड़कर चले गए हैं। सुबह गांव का एक लड़का जो यहीं पर काम करता है वह मंदिर पर आया तो मंदिर पर कोई नहीं मिला। तभी उसने गांव में सूचना दी, तब गांव वाले मंदिर पर इकट्ठा हुए, मंदिर खोला और पूजा आरती की और यह निर्णय लिया गया कि राजेंद्र दास को राधा कृष्ण मंदिर देहरी घाट पर नहीं रहने देंगे, गांव वाले ही अस्थाई पुजारी की पूजा करवाएंगे। अतः गांव वालों की प्रशासन से एक ही मांग है कि मंदिर को ट्रस्ट किया जाए, जिससे मंदिर का विकास हो सके। जब तक ट्रस्ट नहीं होता तब तक गांव वाले ही मंदिर की पूजा करवाएंगे। उक्त निर्णय समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर लिया। आज समस्त ग्रामवासी बापचा के यहां पर एकत्रित हुए हैं। आइए हमारे सरपंच साहब से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। बोलिए। आज दिनांक 26 अगस्त 2020 को हमें सुबह ये सूचना मिली कि मंदिर पे नरहरि दास जी पूजा करते थे, वो चले गए हैं, तो हम सब ग्रामवासी यहाँ पर एकत्रित हुए और आके हमने मंदिर का दरवाज़ा खोला, ताला लगा हुआ था। हमने आके यहाँ पे पूजा आरती करवाई और माननीय तहसीलदार साहब को भी सूचना दी इस विषय में, क्योंकि यहाँ पुजारी पद का विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसके चलते नरहरि दास जी मंदिर छोड़कर चले गए हैं। शाहजहाँपुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।